भाई मेरा कॉल आ रहा है, मैं 2 मिनट में आया। हेलो बच्चा फूट गया। रूपा भी यहाँ कोई टायर वायर फटा था क्या? नहीं शायद कुछ होगा। वो एक्चुअली बॉस का फोन आया था तो वो बोले कि मीटिंग में जाना है। अच्छा। तो उससे पहले मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ठीक है ठीक है चलो। हॉस्पिटल जा रहे हो? मुझे भी जाना है। आपको क्या दिक्कत है मैडम? अरे दिक्कत विक्कत के छोड़ो, मुझे भी देखने हैं नकली बच्चे कैसे होते हैं जो कभी भी बन जाते हैं और कभी भी फट जाते हैं। नकली बच्चा क्या बोल रहा हूँ मैडम, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे भाई साहब अगर आपको समझ ही आता ना तो ये महारानी आपको बेवकूफ ना बनाती। और कैसा है तुम्हारा नकली बच्चा? क्या बकवास कर रही हूँ? मुझे पता था यही जवाब आएगा। बकवास मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, वो क्या है ना मुझे हरे नीले पीले बच्चे देखने हैं इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। हरे नीले पीले बच्चे? हाँ, अरे तुम्हारी वाइफ के पेट में है। पागल वागल हो गई हो क्या? मुझे लगता है मैडम आपको नॉर्मल हॉस्पिटल की नहीं मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। वो तो आपको है, अगर आपको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत ना होती तो आप इसकी चालबाजी पकड़ लेते अब तक। और तुम क्यों कर रही हो सब, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के साथ ऐसा कर रही हो? अरे छोटा मोटा झूठ चल जाता है, तुमने पूरा झूठा बच्चा ही बना दिया। क्या बकवास कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें किसने बुलाया और वैसे भी हम लेट हो रहे हैं। चले हाँ हाँ चले जाना, लेकिन मेरी बात मान लो वरना पछताओगे आगे जाके। एक बात बताओ मैडम, आप हो कौन? वो मैं ही रहती हूँ पास में, देख लिया मैंने। आप इनको जानते हो? नहीं मैं क्यों जानूंगी इसको, इस जैसी औरत को तो बिल्कुल ना जानू, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है ना भाई साहब, ना मैं आपको जानती हूँ ना इसको जानती हूँ, बस मैंने सोचा आपकी मदद कर दूं, वरना फ्यूचर में आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, उससे मुझे क्या। मैडम आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? दिखाऊं तुम्हें? डेमो दिखाऊं? अरे पागल पागल है क्या? अरे बच्चा पैदा कर रही हूँ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इधर ही निकाल देती हूँ। डॉक्टर है तू? डॉक्टर ही समझ लो अभी 2 मिनट। ये कोई साइको लग रही है मुझे। पागल है क्या, हाथ मत लगा मेरे बच्चे को। नहीं लगा दिया, तुम खुद ही निकाल दो। वो क्या है ना भाई साहब, तुम्हारा बच्चा ऐसा है जो कहीं भी कैसे भी बाहर निकल जाता है। क्या बकवास कर रही हो? अच्छा मेरी बात झूठी लग रही है? एक काम करो उससे पूछ लो, अगर वो तुमसे प्यार करती होगी ना तो सब सच बता देगी, अगर नहीं करती होगी तो बेवकूफी बना रही है। वो मेरी वाइफ है वो, और मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ मुझसे कितना प्यार करती है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? शादी को हमारे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से बेवकूफ बना रही हो तुम इसको? यार कितनी माइंडेड लड़की हो, सच में मानना पड़ेगा तुम्हें। वैसे हर महीने हॉस्पिटल जाती है क्या इसका वो बलून बदलने? पागल वागल होगी क्या, 8 महीने से मैं रोज जाता हूँ चेकअप करवाने मेरी वाइफ का। आई बात समझ में? हाँ। और मेरी वाइफ है, मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता इनके बारे में। मतलब तुमने डॉक्टर को भी फंसा रखा है? अरे पैसे वैसे देके नकली फाइल बनवाती होगी, तुम्हें बेवकूफ बना रही है। कभी अंदर कैबिन में गए हो जब इसका चेक होता है पेट? बोलो तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, किसी के भी लाइफ में इंटरफेयर करने आ जाते हो बिना मतलब, तुम जानते हो मुझे, तो जाओ ना यहाँ से। जानती हो ना तुम्हें, तुम एक धोखेबाज लड़की हो, अभी अभी तो जाना है मैंने। और हाँ मैडम इसे बेवकूफ बना लोगी मुझे नहीं, बेशक मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी काली करतूतों का चिट्ठा तुम्हारे पति के सामने रखूंगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बहुत बदतमीजी हो रही है आपकी। बदतमीजी मैं कर रही हूँ? और जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी ये भोली भाली सी बीबी कितनी शातिर दिमाग की है तो फिर कैसा फील होगा तुम्हें? ओ मैडम तलाक करवाने का काम है क्या तुम्हारा, जो आते ही हमारे बीच में बोले जा रहे हो? आइडिया बुरा नहीं है, तुम डिवोर्स ले लो ना, इससे अच्छा ही होगा, कम से कम इससे अच्छी तो मिल जाएगी तुम्हें कोई जो ऐसे बेवकूफ ना बनाए, नकली बच्चा रखे पेट में। कितनी बदतमीज औरत है ये, और कितनी बेशरम भी, एक बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रही है। तू क्या प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? बोल तेरे अंदर कोई कमी है? मैडम बहुत हो रहा है आपका, इज्जत से बात करिए मेरी वाइफ से। आई बात समझ में? जैसे तुम बात कर रहे हो ना ऐसे तो कोई भी बात नहीं करता मेरी वाइफ से। इज्जत इज्जतदार लोगों को दी जाती है, ना कि इन जैसे धोखेबाज को। कहना क्या चाहते हो तुम? कहना नहीं, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। अरे दिखाओ ना, तुम्हारा बच्चा निकाल देती हो, हॉस्पिटल जाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ना चलते, पता नहीं ये औरत क्या बकवास कर रही है। हाँ हाँ दर्द हो रहा है ना, एक काम कर
तुम्हारा ये दर्द जिंदगी भर के लिए खत्म कर देती हूँ। इधर आओ मैडम। अरे इधर आओ, तुम्हारा ये तुम्हारा बच्चा ये व्हाइट रंग का तुम्हारा बच्चा है। अरे बधाई हो, गुब्बारा पैदा हुआ है, खुश हो ना। अरे मुंह तो मीठा करा दो, मोहल्ले में बर्फी बांटो। मैंने कहा ना बेवकूफ बना रही है तुम्हें, पता चल गया? रूपा क्या नाटक है ये? अरे बच्चा दिखाओ ना, थोड़ा खेल लेती हूँ इससे। ऐसे ही टायर फटाता ना, है ना? हाँ ऐसी आवाज तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी सुनी थी फोन पे। वो टायर वायर नहीं फटाता, इसका बच्चा फटाता है एक भिखारी के हाथों। रूपा तुम 8 महीने से मुझे पागल बना रही हो, क्यों? वो क्या है ना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। बच्चा नहीं चाहिए था तो मुझे बोल देती। ये गुब्बारा फुलाना, ये नाटक करना, ये सब चीजें क्या है? मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। और हाँ, बच्चा पैदा करके मैं अपनी फिगर भी खराब नहीं कर सकती थी। एक चीज बताऊं, मैं तुम्हारे से सिर्फ पैसे के लिए थी। मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी तुमसे, और प्यार भी किसी और से करती हूँ मैं। तुम तो मेरी लाइफ में आए भी आगे, और शुक्र है कभी ना कभी तो पता चल नहीं था, वो आज ही पता चल गया। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें पता चला तो मुझे रहने ही नहीं था तुम्हारे साथ। रूपा जब तुम किसी और से प्यार करती थी तो मुझे पहले ही बता देती। 3 साल से तुम चुप थी और तुमने बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, और मैं तुम्हारे प्यार में पागलों की तरह तुम्हारी इतनी केयर करता रहा। तो मैंने बोला तुम मुझसे प्यार करो, मेरे घर वालों को मैंने बताया था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने तुम जैसे फटीचर के साथ शादी करवा दी। तुम्हारे पास पैसा है तो क्या प्यार हो जाएगा मुझे? और हाँ रूपा, जब तुम मुझसे प्यार करती थी तो तुम मुझे बता ही देती ना। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता था, और तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं तुम्हें भी छोड़ देता। मैं क्या ही कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे प्यार में। जो भी चीज तुमने मुझसे मांगी हर एक चीज तुम्हें दी, खुद से ज्यादा तुम्हें टाइम देता था मैं, और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। तुम्हारे साथ तो मैं बस टाइम पास के लिए थी, और हाँ अगर मैं तुम्हें छोड़ भी देती ना, मेरे घर वाले मुझे जीने नहीं देते। तो अच्छा है ना तुम्हें ये चीज पता लगा, और तुम अब मुझे अपने आप छोड़ दोगे तो मैं अपने साइड से अब सेफ हूँ, ठीक है? रूपा यही बात तुम मुझे शुरू में ही बता देते तो मैं तुम्हें शुरू में ही छोड़ देता। मैं खुद समझा देता तुम्हारे घर वालों को, एटलीस्ट तुम्हारी खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता था। लेकिन तुमने मुझे धोखे में रखा, 3 साल से बेवकूफ बनाती रही, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया रूपा। ज्यादा ना देवदास बनने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी कोई और तुम्हें। ओए शर्म नहीं आती क्या तुझे? हाँ एक तो बेचारा इतना परेशान हो रहा है, रो रहा है, तुझे उसका दर्द नहीं दिख रहा? कैसी बेदर्द औरत है तू। हाँ तुम कौन होती हो बोलने वाली बीच में? तुमने जो करना था कर लिया ना, अब जाओ यहाँ से। वो तो अच्छा हुआ कि मैडम ने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया, वरना मैं तो उम्र भर तुम्हारे झूठ में ही बंधा रहता। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मुझे पागल बना रही हो। मैं तो सोचा था कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे साथ लॉयल रहती है, बट मुझे नहीं पता था कि रूपा तुम भी ऐसी निकलोगी। अब सर देखिए आप शांत हो जाइए, वो क्या है ना कुछ औरतों के दिमाग में भूसा भरा होता है, उन्हें सच्चे प्यार की कदर नहीं होती और पहचान भी। एक बात बोलूं, आज तो तुम छोड़ के जा रही हो लेकिन कल इसी प्यार के लिए तुम रोओगी और इधर ही आओगी। और हाँ उस टाइम आप एक्सेप्ट मत करना इसको, खैर जाने दीजिए इसको, अगर ये आपकी लाइफ में रहेगी ना तो आपकी ज़िंदगी बर्बादी करेगी और कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। ठीक है रूपा, जैसे तुमने सोच ली है कि तुम्हें उसके साथ रहना है तो चलते हैं घर पे। आप अपने कपड़े पैक कर लेना और चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद मैडम, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी वाइफ मुझे बेवकूफ बना रही है। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए और खुद को संभालिए।